हेलो एवरीवन, मैं हूँ सलमान और आप देख रहे हैं इंडियन बजट एंड लव बर्ड चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं कि मेरे पास कमेंट आ रहे थे कुछ लोगों के कि आप अपने कॉलोनी के अंदर जो चूज़े छोड़े थे वो उनको दिखाइए कितने बड़े हो गए हैं। क्योंकि मैंने पिछले महीने 25 तारीख में उनको कॉलोनी के अंदर रिलीज़ किया था। अब जो एक महीना हो चुका है तो एक महीने में आपको दिखाऊँगा कि वो कितने बड़े हो गए। उसके बाद मैंने अभी देसी चूज़े भी छोड़े हैं तो उनको भी दिखाऊंगा साथ ही साथ। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा ये चूज़ों के लिए मैं एक अलग सेपरेट जगह बनाना चाह रहा हूं, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या मैं ठीक बना रहा हूं या नहीं, उसमें मुझे इनका सेपरेट बनाना चाहिए या नहीं, जगह कैसी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं हम अपने बर्ड के लिए बजिस के लिए सॉफ्ट फूड बना लिया है। और ये चीज़ मैं चूज़ों को देता हूँ और ये हमारा मिक्स सॉफ्ट फूड है और इसके अंदर ग्रिट मिलाई गई है, ग्रिट भी मैंने मिक्स कर दी है। तो हम पहले सेटअप को खोल लेते हैं। तो चले दोस्तों, अब मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमारे चूज़े हैं। ये देखिए दोस्तों, चूज़े कितने बड़े हो गए हैं। और ये सब देखिए एक साथ हैं। ये हमारे वो हैं जो हमने वाइट वाले जो फार्म के छोड़े थे उसके अंदर ये वाले चूज़े हैं। और बाकी ये देखिएगा देसी वाले, ये सब खाने लगे सब बहुत ज़बरदस्त। मैं इनको भगा देता हूँ क्योंकि मुझे अभी इनके, ये हम इनको दोपहर का खाना लेकर आए हैं, दोपहर में हम देते हैं इनको दोपहर के बाद। सुबह में मैं इनको अलग शॉर्ट फूड देता हूँ जो मैं दिखाया रोटी, अब ये दूसरा शॉर्ट फूड है। तो ये देखिए दोस्तों कि चूज़े कितने बड़े हो गए हैं माशाल्लाह से। देखिएगा ये वाइट वाले हैं ना, ये वाइट वाले काफ़ी बड़े हो गए। और ये अभी जो देसी लिए थे ये अलग हैं, तो ये भी अपनी थोड़ा धीरे धीरे ग्रोथ पकड़ेंगे। अब ये जैसे जैसे दोस्तों बड़े होते जा रहे हैं, हम मुझे इनके लिए अलग सेपरेट जगह बनानी होगी, शिफ्ट करना होगा। क्योंकि ये बजीज की इनकी हमारे बर्ड का सेटअप है, इसमें तो हमें रखना नहीं है क्योंकि बर्ड के साथ इनको हम नहीं रख सकते। क्योंकि बजीज की कॉलोनी में यहाँ पर रखता हूँ तो बजीज के ये जो बच्चे हैं जब ये कूदते हैं, छोटे बच्चे निकलते हैं तो ये इनको मारते हैं। क्योंकि एक बच्चा जो छोटा बच्चा था जो जल्दी आ जाता है मटकी से बाहर, तो उनको ये मार देते हैं। एक बच्चा मार चुके हैं तो मैंने इनको जब ही से ही इनको यहाँ सेपरेट इनको अलग कर दिया था इनके साथ। ये खुला हुआ एरिया, यहाँ पर कोई बर्ड नहीं है, लेकिन इसके लिए भी मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा क्योंकि ये जितने बड़े होंगे फिर ये बहुत ज़्यादा लगने लगेंगे। क्योंकि 19 जो हैं वो फार्म वाले हैं, 10 पीस देसी वाले हैं, तो काफ़ी हो जाएंगे। तो 29 करीब ये चिक्स हैं। तो दोस्तों, ये चिक्स देखकर आप माशाल्लाह ज़रूर बोल दिएगा वीडियो में। और अभी हम आपको दिखाते हैं कि हम इसका सेपरेट केज कहाँ बना रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बाहर चलकर दिखा देता हूँ कि मैं अब इनके लिए कौन सी जगह शिफ्ट करने वाला हूँ, कहाँ पर शिफ्ट करूँगा। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये तो हमारा सेटअप है और इसके बराबर में जो जगह है ये वाली, देखिएगा ये वाली जो जगह है, यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि ये जितने भी चिक्स हैं मुर्गी के तो इनको इसमें शिफ्ट कर दूँ। तो यहाँ बनाने का मेरा इरादा है। तो आप लोग क्या कहते हैं दोस्तों? अब मैं इनका साइज़ बता देता हूँ। यहाँ पर ये यहाँ से दीवार से लेकर जो अंदर की गहराई है ये है 7 फिट, ये 7 फिट गहराई है। और ऊंचाई जो है ये तकरीबन 5 फिट कुछ इंच है, यहाँ तक हो जाएगी। हम 2 इंच का टेपर देंगे तो ताकि ढाल मिल जाए पानी आने के लिए। और ये हमारा दरवाज़ा बना बनाया रखा है जो हमने पहले इस कॉलोनी के अंदर से मैंने जाली निकाली थी जो बराबर में जो सेटअप था लबड़ की कॉलोनी, तो ये मैंने खोल दी थी। तो ये पूरा दरवाज़ा बना बनाया रखा है, यहाँ पर दरवाज़ा इस तरह से लग जाएगा। और ये पूरी जो कॉलोनी है अंदर, ये जितना भी एरिया है ये सब चिक्स के लिए होगा। अंदर दरवाज़ा खोला और ये चिक्स अंदर रहेंगे, दाना पानी यहीं से हम इसके अंदर शिफ्ट कर दिया करेंगे। तो दोस्तों, जाली भी मेरे पास रखी है, ये जाली रखी है, ये एंगल रखे हैं जो मैंने खोले थे पुराने, और भी जाली है मेरे पास, तो सब इसके अंदर काम आ जाएगा। और छत हम जाली लगाएंगे, सपोर्ट देंगे और शीट वगैरह लगाएंगे। जब मैं काम शुरू करवाऊंगा तो मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, दिखाता रहूंगा कि कैसे बन रहा है ये। तो मैं आपको अपडेट दूंगा और आप बस कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा मुझे कि क्या ये जगह सही है मुर्गी के चूज़ों के लिए, अच्छी रहेगी। तो क्योंकि ये सेपरेट मैं चाहता हूँ, ये इनके लिए सेपरेट होना चाहिए मुर्गी के चूज़ों के लिए।
ओके, इसके अंदर ये बजीसी कॉलोनी में, लबड़ी कॉलोनी में हमें नहीं रखना है। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक अपील और है कि मैंने एक नया चैनल जो बनाया था, सलमान बर्ड ब्लॉग, तो उसको भी जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा इस चैनल का, सलमान बर्ड ब्लॉग के नाम से। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। तो उस पर भी मैं तरह तरह की वीडियो बर्ड से रिलेटेड लाकर रहता हूँ। दोस्तों, यही थी अपडेटेड वीडियो आप लोगों को, और चिक्स मुर्गी की चीज़ें कैसे लगे हों तो आप वीडियो में ज़रूर बताइएगा, और जगह कैसी लगी जब मैं सेपरेट केज बनाने जा रहा हूँ। तो आप लोग लाइक कीजिएगा, न्यू व्यूवर्स हैं वीडियो को तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।